मैं हूं अलाउद्दीन खान और आप देख रहे हैं NSTV बिहार। अररिया जिला अंतर्गत यह है चिकनी पंचायत। मुखिया के कार्यकाल का 5 साल पूरा हो चुका है, तो ऐसे में हमने लोगों का मन टटोला कि आखिर पिछले 5 सालों में मुखिया जी ने क्या किया। हमने जब लोगों से बातचीत की तो कई लोगों ने बुनियादी चीज़ें जैसे राशन कार्ड नहीं बनाने का आरोप लगाया, तो वहीं कई लोगों ने नाला सड़क आदि का पूरी तरह से काम नहीं होने का भी आरोप लगाया। लोगों की अलग अलग शिकायतें थीं। हम इन शिकायतों को लेकर जब मुखिया जी के पास पहुंचे तो मुखिया जी ने अपना पक्ष देने से मना कर दिया। आइए देखते हैं लोगों ने मुखिया जी के बारे में क्या कुछ कहा। क्या बोल रहे हैं आप मुखिया के बारे में? मुखिया के बारे यही बोल रहे हैं हम लोग कोई अगर काम के लिए गए वो मुखिया जी के पास, तो वो ज़्यादातर अपना जाति का भेदभाव करता है। शेर शाह आबादी को कौन मानता है? यहाँ एक तो कहावत वो सुनाता है क्या, घेघना का तरह भास के अले मलदैया को वोट दे के बाबू कही हो। तो मलदैया से हम लोग कोई ताल्लुकत नहीं है, मलदैया का वोट से हम लोग नहीं जीत ले, सीधा बात बोले है सिकड़ा। अब हम लोग शेर शाह आबादी है तो हम लोग को कोई वैल्यू नहीं देता है यहाँ पर। ये लोग तो एक जैसा मालजल समझता है, वैसे हम लोग का गाँव का आदमी को मालजल समझता है। दो चार ठो पढ़ा लिखा आदमी है, वो लोग को अपना पैसा रिश्वत से खरीद लेता है वो, और हम लोग गरीब बिना मतलब कमाते हैं उसके पीछे पीछे। कितनी आबादी आपकी शेर शाह आबादी की? ये शेर शाह आबादी का आबादी हमारा कम से कम 1500 होगा इस गांव में, 1500 से ज़्यादा होगा घर, 1500 से ज़्यादा होगा, लेकिन हम लोग को कोई वैल्यू नहीं देता है यहाँ पर। एक हरिजन दलित को वैल्यू है, लेकिन हम लोग शेर शाह आबादी को वैल्यू ये मुखिया नहीं देता है। मोहम्मद सैफुद्दीन जी बोलिए। सर हम आप लोग को जो बुलाए हैं 2 महीना से फ़ोन कर रहे हैं, तो आप लोग टाइम दिए हैं आए हैं, तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। क्या तो परेशानी है आपके साथ? सर परेशानी ये है जो हमारा रिसीविंग है सर, ये 2019 में अप्लाई किए थे ब्लॉक जाके, 1000 रुपया कम से कम खर्चा करके परिवार ले जाके, ये राशन कार्ड नया बनाने के लिए। अच्छा। तो ब्लॉक जाके खर्चा किए हैं, खर्चा करने के बाद वो नहीं बना के दिया राशन कार्ड। और ब्लॉक जाते हैं तो बोलता है क्या जे वहाँ विकास मित्र से बोलो, नहीं तो ये BLO से बोलो। तो BLO के पास आते हैं तो BLO बोलता है क्या जे ये 3000 रुपया चाहिए, कम से कम 2500 रुपया चाहिए, तब ही राशन कार्ड बनेगा, बिना पैसा का थोड़े बनेगा, ऐसे बोल रहा है। जो हमसे हमको ऊपर खर्चा ले रहा है, सरकारी आदमी हो गया तो क्या हो गया, खर्चा ले रहा है ऐसे बोल रहा है। तो सर हम कहना ये चाहते हैं जे राशन कार्ड बनाने का कैसे तो तौर तरीका है जो नहीं बन रहा है, गरीब आदमी ऐसे तो मर जाएगा बोलिए। इसीलिए आप लोग से इतना दिन से बुला रहे हैं, तो आप लोग से अनुरोध है जो हमारा राशन कार्ड बन जाए। जी मोहम्मद शमसुलक, ये दुकान आपकी है जी? कैसा चल रहा है काम? काम तो जो लॉकडाउन में अभी क्या चलेगा सर, अभी लॉकडाउन के चलते में हम लोग दिल्ली पंजाब नहीं करते हैं, अभी गरीब आदमी है, किसी का जो मकई काटते हैं तो मिलता है दिहाड़ी, और उसके बाद सरकार से हम लोग तो काम ही नहीं है। और मुखिया जी जो इंदिरा आवास दिया हमको, अभी हमारा घर उठा हुआ पीछे में देखिए, तो जहाँ 1.5 लाख मिलता है 2 लाख मिलता है हमको तो पता नहीं है, 1,20,000 उसमें से सर जो 3 किस्त में पैसा आया, 3 बार में पैसा आया तो 5,000-5,000 ले लिया, 5,000-5,000 ले लिया। उसके बाद अभी जो बाकी है अभी पूछ रहे हैं मेम्बर को, अभी बोल रहे हैं कि मिलेगा, बस इतना ही तकलीफ। बाकी अभी काम भी मिला आपको? 3 बार मिल गया। कितना मिला 3 बार? एक बार मिला 50,000, एक बार 40,000, एक बार 30,000। 1,20,000 आपको पूरा मिल चुका है? मिल चुका है। तो अब कितना आता है उतना हमको पता नहीं है अभी, मतलब 20,000 ही आता है। हाँ तो ठीक, वो मिल गया। बाद बाकी अब तो हमारा कुछ काम नहीं है अभी। शौचालय वगैरह बना कि नहीं? शौचालय अभी सर कहाँ दिया, अभी बना, आपने से बनाए हैं? सड़क वड़क का काम हुआ है सर? ये तो कौन कंपनी बना के गया 10 साल पहले, और जो अभी बना है मंसूर मुखिया से, तो 30-40 फुट लंबाई उधर बन गया मेम्बर का आगे में, और वो भी 20 बोरा का जगह में 10 बोरी, और पीछे में जो अभी घूम के आए हैं तो वो भी 10 बोरी का जगह में 15 बोरी दिया, 15 जगह में 20 दिया, कोई दिया कम दिया, वो भी टूट गया। और 5 साल हो चुका है मुखिया जी का, कितना विकास किया आपके पंचायत? हमारा गाँव में तो कुछ विकास नहीं हुआ, जो विकास हल्का फल्का हुआ रोड मोड का, ये 1 साल नहीं हुआ, ये 1 हाटू करके खड्डा है, 1.5 फीट करके। अच्छा। 1.5 फीट 2 फीट करके खड्डा है, आप लोग देख लीजिएगा। मुखिया जी से कोई लाभ नहीं है आप लोगों? कोई लाभ नहीं है। विकास हुआ है? विकास नहीं है, हमारा कुछ नहीं मिलता है, घर तर कुछ नहीं मिला है, हमारा गरीब आदमी है, एक ठो लड़का है, निंगड़ा है, कुछ नहीं पाता है उसको,
पंचायत में कोनो वैल्यू नहीं देता है, किछु नहीं आता है, सब जो का पैसा वाला है वो पूरा कथा बात मानता है, गरीब का कोनो वैल्यू नहीं देता है। मुखिया टुखिया के डाक्टर नहीं है तो उसको तो काम ही नहीं करता है, अब क्या करता है। इंदिरा आवास फंसा है तो नहीं देता है, आज देगा कल देगा परसों देगा तो काम ही नहीं करता है। फंसा है टाका ले लिया कोनो पैसा आपसे लिया हमारा पास में आपसे हाँ लेता है कि ना पैसा लिया आपसे हाँ दिया नहीं अभी ना अभी नहीं दिया। कौन लिया आपसे पैसा? वो मुखिया से सबको बोलता है जो पैसा लगेगा ये लगेगा मेंबर निम्बार मुखिया सब बोलता है। मेंबर का क्या नाम है? हाँ पैसा लिया उसका नाम हाँ तनवीर। मुखिया जी ने कितना काम किया पंचायत में पाँच सालों में? भाई साहब अभी पाँच साल में कुछ काम नहीं किया है मुखिया जी, अपना अपना ही मैंने ये कर रहा है, हम लोग का कुछ नहीं दिया है अभी तक पाँच साल में, ना किसी का विकास किया ना किसी का विकास करेगा। वो यहाँ नाला भी नहीं बना है, एक ठो करके भेपर दिया वो भी चार रोज में ख़त्म हो गया, उसको भी मलामत करके नहीं दिया। यहाँ इंदिरा आवास किसी को मिलता है किसी को नहीं मिला, यहाँ लेटरिन रूम नहीं बनाया, कुछ करके नहीं दिया। यहाँ आप लोग बाथरूम जंगल में जाते हैं? अभी सब जंगल में जाते हैं हम लोग बाथरूम करने के लिए। हम लोग देखिए तो दिमाग खराब, कुछ नहीं दिया यहाँ मुखिया। मुखिया पैसा से चोरी करके जीत करके चला जाता है, पैसा से खरीद करके वोट को जा करके घर में बैठा हुआ रहता है। आपका नाम? असराफुल। पंचायत में कितना विकास हुआ है ये बताइए? विकास कहाँ हुआ है अभी, पाँच साल मुखिया रहा, पाँच साल में तो एक रोज मुखिया को भी नहीं देखा हम। क्या नाम है मुखिया का? मुखिया का नाम है मंसूर, मंसूर आलम। अच्छा आते हैं कि नहीं आप लोगों से मिलने? कहाँ मिलने आता है, गया तो गया। सड़क वड़क बना कि नहीं यहाँ पे? यहाँ सड़क बनाया तो पांच बोरी का सीमेंट दे करके बना के चला गया, एक साल में रोड पूरा ख़त्म हो गया। अच्छा इंदिरा आवास मिला लोगों को यहाँ पे? इंदिरा आवास मिला, थोड़ा थोड़ी मिला। लिया भी गया? हाँ पैसे भी लिए इंदिरा आवास? हाँ इंदिरा आवास में पैसा भी लिया, वही 20 से 25 हज़ार। एक आदमी से ले लेता है? एक आदमी से लिया। 15 हज़ार मालिक कस्तूर। मालिक कस्तूर, आपके पंचायत में विकास का काम हुआ है मुखिया के थ्रू? वही डहना मामा जिसका जो बोलबाला है उसी का काम हो रहा है, और जो नहीं बोलता है उसका कुछ नहीं है। आप लोगों का नहीं हुआ कुछ? नहीं, कोई फायदा नहीं मिला? इंदिरा आवास का मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला। शौचालय? शौचालय मिला। मिला बना लिए शौचालय? हाँ पाँच है बना। और क्या कमी है पंचायत में? स्वास्थ्य केंद्र है कि नहीं? डॉक्टर बैठते हैं कि नहीं? स्वास्थ्य केंद्र है? वो तो प्राइवेट डॉक्टर में यहाँ जाता है, अररिया जाना पड़ता है। अररिया जाता है जो वही चौक पर जाने पड़ता है। इलिया सलाम। इस पंचायत में कितना विकास हुआ है पाँच सालों में? इधर तो कुछ भी विकास नहीं हुआ है, कुछ भी मुखिया का काम नहीं है। यहाँ रोड बनता है तो रोड उखड़ जाता है, एक महीना दो महीना टिकता है रोड। इधर ने पानी का व्यवस्था है, नाला का व्यवस्था है, कुछ भी नहीं है। स्वास्थ्य केंद्र है कि नहीं पंचायत? नहीं कुछ भी नहीं है इधर स्वास्थ्य केंद्र। तो आप लोगों को इमरजेंसी डॉक्टर की जरूरत पड़ती है तो कहाँ जाना? बाजार जाना पड़ता है हम लोग, बाजार। हाँ 12 बजे 1 बजे रात को जरूरी पड़ता है तो बाजार जाते हैं, क्या करेंगे इधर कुछ भी व्यवस्था नहीं है। क्या नाम है आपका? तनवीर आलम। आप चिकनी पंचायत वार्ड नंबर 4 के वार्ड मेंबर हैं? जी वार्ड सदस्य। आपके वार्ड में हम गए थे अभी, लोगों का कहना था कि हमारे पंचायत में काम नहीं हुआ है, हमारे वार्ड में कोई काम नहीं हुआ है, इस पे आपका क्या कहना है? क्या देखे लोगों का तो कहने का काम है, लेकिन सरकार की तरफ से जो भी फंड आया है हम जमीन पर लाके दिखा दिए हैं। बारिश के मौसम में हम एक हफ्ता के अंदर में 850 फीट 7 नक्शा के तहत हम रोड बनाने के काम किए हैं, और 325 फीट 7 नक्शा वो भी बारिश के टाइम में भी हम काम करके दिखला दिया, लोगों के नज़र में है जिस होके आप लोग आ चुके हैं। और जो भी हमारा और हमारा मुखिया जी का शिकायत करता है ये हमारा विपक्ष का काम है, विपक्ष का काम तो आवाज़ उठाना का काम है और हमारा सुनने का काम है। अगर विपक्ष का तकलीफ है तो उससे हम मिलने की कोशिश करेंगे, कहाँ क्या कमी है वो हमको फिर आगे के मौका मिलेगा तो हम करके दिखा देंगे। और जो भी काम किए हैं हम ईमानदारी से किए हैं, और जो भी
हमारे ऊपर, हमारे मुखिया के ऊपर आरोप लगाता है जो इंद्रावास में पैसा लिया है, वैसा कोई बात नहीं है। लोगों को हम तीनों किस्त हम पेमेंट करके लोगों के खाते में भेज चुके हैं और हमारे वार्ड में 100% काम हुआ है। और बताइए कि आप जिस बिरादरी से आते हैं जी, कौन सी बिरादरी से? हम शेरशाहवादी बिरादरी में हैं। आपके शेरशाहवादी के कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मुखिया जी जाति भेदभाव करते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है। हमारे ये मुखिया के चाहे रात के 12 बजे बुला लीजिए, वो जाने के लिए तैयार है और जिस वक्त इसका ज़रूरत पड़ता है लोगों को ये हमेशा काम में हाजिर रहता है। जाति भेदभाव करते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। जाति भेदभाव हमारे पंचायत में है ही नहीं। जो भी किया है ये शिकायत किया है बदनाम करने के लिए, पंचायत को बदनाम कैसे किया जाएगा इसलिए बोला है, ऐसा कोई बात नहीं है।